नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो लगातार गिरावट में है और लगातार उसमें कंसिस्टेंटली गिरावट ही गिरावट आई चली जा रही है। आज थोड़ा सा वो पॉजिटिव में रहा है, लगभग 0.83% के आसपास, वरना उसमें लगातार गिरावट चल रही है। जैसा कि आप देखेंगे, पिछले 5 डे में लगभग 4.07% के आसपास गिरावट है इसमें। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, 1 मंथ की अगर हम चेक करें तो 1 मंथ में लगभग 8% के आसपास जो है ये गिर चुका है। तो 8% की गिरावट इसमें पिछले 1 महीने में दर्ज की गई है। तो दोस्तों, ये सेक्टर है आईटी, आईटी का जो सेक्टर है वो लगातार गिरावट में है। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी बनती है इसमें ख़रीदारी की। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब भी कोई भी शेयर या सेक्टर गिरता है तो लोग उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है आप इसमें एक ख़रीदारी की अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपकी। आप इसको ख़रीद सकते हैं इस समय, क्योंकि इसमें लगातार पिछले 1 महीने में 8% तक गिर चुका है। इसमें जो कंपनियाँ, इनके हम कंपोनेंट भी देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियाँ इसमें। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, ये देखिए, ये आपको मात्र 28 रुपये में आप इसे ख़रीद सकते हैं। यह है एक ETF, निपोन का ETF है, आईटी निफ्टी, निफ्टी वीज, ये ETF है। तो बी का मतलब होता है मधुमक्खी और बीस का मतलब होता है मधुमक्खियों का झुंड। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए कि आप आईटी सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं उनका पूरा झुंड खरीद रहे हैं, और जिसमें बहुत बहुत दिग्गज कंपनियाँ हैं जिनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे कि सबसे पहली कंपनी है, मैं एक बार लिस्ट दिखाऊंगा आपको उनको, वो कौन सी कंपनियां हैं जिन कंपनियों को आप इसमें ख़रीदेंगे। तो देखिए, अगर हम इसका देखें कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिन कंपनियों को हम ख़रीदेंगे यहां पे, तो आप देखेंगे इसमें हैं TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, एम्फेसिस, माइंडट्री, लार्सन टूब्रो, कोफोर्ज। बहुत बहुत दिग्गज कंपनियां, इनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये दोस्तों जिस भी कारण से गिर रहा है, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है आज इसे ख़रीदने की। तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके थ्रू आप इसको ख़रीद सकते हैं और बहुत अच्छे रिटर्न जो है आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। तो सीधा तरीका, आपका जो है लंबे समय का आपका इसमें निवेश करने का अगर विचार है, तो आप इसमें धीरे धीरे ख़रीदते रहिए। 28 रुपये का अगर आप ख़रीदेंगे इसको, तो 28 रुपये जो है आपके, वो 10 टॉप 10 जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उनमें आपका पैसा लग रहा है 10 कंपनियों में। उसी के साथ साथ आप देखेंगे, मात्र इसमें आप 28 रुपये से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं, और आपका जो 28 रुपया है वो पूरा का पूरा 10 कंपनियों में लगेगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एक कंपनी में, एक शेयर में। और इसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यह है कि आप इसको CMP पे ख़रीद सकते हैं, यानी कि करंट मार्केट प्राइस पे आप इसको ख़रीद सकते हैं, आप इसको बाय कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप इसको सेल भी कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। ये दोस्तों है तो ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, लेकिन फिर भी आप इसको शेयर की तरह आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप इसमें अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। दोस्तों, अगर आपके पास 5 लाख रुपये हैं तो इसमें आप 1-1 लाख रुपये करके ख़रीदारी करते रहिए, 5 हिस्से बना लीजिए अपने फंड के। और पहली जो बाइंग है वो आपको इसी रेट पे ख़रीद लेना चाहिए, यानी कि CMP पे, करंट मार्केट प्राइस पे, जो भी करंट मार्केट प्राइस हो उस पर आप पहली बाइंग कर लो। उसके बाद जब भी इसमें 3% की गिरावट आए, फिर 1 लाख रुपये की बाइंग कर लो, फिर 3% की गिरावट आए, फिर 1 लाख रुपये की बाइंग कर लो। जो भी आपका एवरेज प्राइस आए उसको आप 10% के ऊपर आप इसको सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, आप इसमें सेल कर सकते हैं, और CMP पे भी बाय कर सकते हैं, और बहुत अच्छे रिटर्न आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका जो है लंबे समय तक का विचार है इसमें निवेश करने का, तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो है पिछले अगले आने वाले 6 से 8 महीने में ये लगभग 50-60 रुपये के आसपास पहुँचेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे फंडामेंटल है सारी कंपनियों के, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दोस्तों, आईटी सेक्टर का ये ETF है, ये कोई शेयर नहीं है, ये ETF है। इसमें 10 कंपनियाँ हैं, कोई सी ना कोई सी कंपनी परफॉर्मेंस करेगी, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी, जिसमें इन्फोसिस है, TCS है, टेक महिंद्रा है, लार्सन टूब्रो है, विप्रो है। कोई सी, जब भी आईटी सेक्टर चलेगा तो बहुत ज़बरदस्त चलेगा। मुझे लगता है कि इसमें जो करेक्शन होना था, डाउनफॉल आना था, वो लगभग 90% के आसपास आ चुका है। दोस्तों, मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ,
मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ जिसमें मैं खुद भी काम करता हूँ। आप निवेश करने से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, जब जाके इसमें निवेश चालू करें। और चाहते हैं आप इसमें अगर छोटा छोटा निवेश करना, आईटी सेक्टर में एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपका निवेश करने के लिए, आप चाहें तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन रिटर्न जो है आप इसमें से बना सकते हैं। आप धीरे धीरे इसमें निवेश करिए। तो अगर आप 3% की गिरावट पे ख़रीदते हैं, आपके पास जो भी फंड है, मैंने 5 लाख रुपए का एग्जांपल लिया, आपके पास 1 लाख हो सकते हैं, आपके पास 10 लाख हो सकते हैं, आपके पास 2 लाख हो सकते हैं, उन सभी के 5 हिस्से बना लीजिए। हर पहला है, पहली जो बाइंग है वो करंट मार्केट प्राइस पे, उसके बाद जब भी ये 3% गिरेगा उसके बाद नेक्स्ट बाइंग करनी है, उसके बाद जब ये 10% ऊपर जाए आपके एवरेज प्राइस से, आपकी 2 बाइंग हो गई, 3 बाइंग हो गई, जितनी बाइंग से भी ये 10% ऊपर जाए वहाँ पर आप इसको टोटल स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, फिर नेक्स्ट डे आप इसमें बाइंग बना सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति मैंने आपको बताई, एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटजी बताई। आप इसमें निवेश भी कर सकते हैं, आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करके भी रिटर्न निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको ज़रूर हिट कर दें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुँचता रहे। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाके जरोधा, एलाइस ब्लू, आप स्टॉक कार्ड किसी के साथ भी फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोल सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन ब्रोकर हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। जो मेरे बिगनर दोस्त हैं वो चाहें तो इन ETF में निवेश करके अपनी पूंजी को बचा सकते हैं। जो भी आपका कैपिटल है, कैपिटल को आप सुरक्षित रख सकते हैं अगर आप ETF के थ्रू जाएंगे। दोस्तों अगर आप किसी शेयर को ख़रीदेंगे वो जब गिरेगा तो आप उसको निकल जाएंगे तुरंत ही उसको बेच के, लेकिन अगर आप ETF में जाएंगे तो आप पूरा का पूरा 10 कंपनियों में आप निवेश कर रहे हैं, यानी कि वीज आप गुच्छे में निवेश कर रहे हैं, ना कि आप किसी एक कंपनी में निवेश कर रहे हैं। तो अगर आपका कैपिटल सुरक्षित रहेगा तो मार्केट में आप खड़े रहेंगे, अगर आपने कैपिटल खोया तो मार्केट आपको बाहर कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों कैपिटल को सेफ रखने के लिए आप ETF में स्विंग ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।